राज्य पूर्वी दिल्ली को लेकर जिस तरह की भ्रांतियां हमेशा से रही हैं, चाहे वो गाजीपुर का कूड़े का ढेर हो या दिल्ली, खासतौर पर पूर्वी दिल्ली की जो सड़कें हैं, इन सबको लेकर आपका क्या प्लान है आने वाले समय में? देखिए, गाजीपुर का जो कूड़े का पहाड़ है, 25-30 वर्ष हो गए इसको, ये लगातार बढ़ रहा था। लेकिन मेरे से इस समय के जो हमारे सांसद हैं गौतम गंभीर जी, उन्होंने एक इनिशिएटिव लिया था, इसको कम करने का प्लान किया। उन्होंने कोई झूठा वादा नहीं किया केजरीवाल की तरह कि मैं निगम आते ही एक साल के अंदर सारे कूड़े के पहाड़ हटा दूंगा, संभव नहीं कर पाए, वो करना भी नहीं था। वो हमें तब भी समझ में आ रहा था कि यमुना साफ़ करके डुबकी लगा दूंगा, तो वो तो आज तक यमुना साफ़ नहीं हुई, डुबकी तो खैर वो क्या लगाएंगे। तो जैसा गौतम जी ने 15-17 मीटर कूड़े का पहाड़ कम किया है, ग्रेजुअली होगा, लेकिन इसके लिए पूरा प्लान करके जब हम निगम में थे उस समय भी हमने इसकी डिस्पोजल का भी प्लान किया था, और इसमें से बहुत सा कूड़ा जो पॉसिबल हो सकता था, क्योंकि हाईवेज के नीचे सॉयल को फिलअप करने के लिए भी ये कूड़ा प्रयोग में लाया जा सकता है, साइंटिफिकली प्रूवन फैक्ट है। उसमें ठीक है, NHAI उसको सैंपल टेस्ट करेगी कि वो कितना उसमें जाने लायक है, उसको भी सेग्रीगेट करके जाने वाला है। उसमें आदरणीय नितिन गडकरी जी के साथ जब मैं महापौर था उस समय भी बैठक हुई थी, और उसमें इसमें से भी बहुत सा कूड़ा हमने नेशनल हाईवेज के नीचे डाला था। उसकी भी एक लिमिटेशन ये है कि कूड़ा एज इट इज़ उठा के नीचे नहीं डंप किया जा सकता, क्योंकि सड़क के कोई मापदंड, हाईवेज के बनने के कोई मापदंड हैं। आज ऐसे भी हाईवेज बन रहे हैं जिस पर जेट प्लेन्स को लैंड कराया जा सकता है इमरजेंसी में। आप लोगों ने देखा भी होगा, यमुना एक्सप्रेस वे पे भी हुआ, उधर पूर्वांचल एक्सप्रेस वे पर भी कराया गया था। तो इसके लिए लॉन्ग टर्म प्लानिंग के लिए बिल्कुल मन में है कि इसको समहाउ कम करना है। धीरे धीरे कम होगा, एकदम से कोई जादू की डंडी नहीं है, जो कहेगा वो गलत कहेगा, उसके लिए प्लान कर रहे हैं। जिस तरह से देखा जाता है कि एक कहावत हुआ करती थी बहुत समय पहले, हालांकि बदलाव आया, नानक सुखिया सब संसार, दुखिया सारे यमुना पार, तो यमुना पार के दुखों को कैसे कम करेंगे आप? आज आप देखिए, ये कहावत तो गलत सिद्ध हो चुकी हुई है। पिछले 10 वर्षों की जो डेवलपमेंट पूर्वी दिल्ली और उत्तर पूर्वी दिल्ली की हुई है वो इनकम्पेरेबल है। आप लोग रोज गुजरते हैं वहाँ से, जो मेरठ एक्सप्रेसवे बना सराय काले खां से लेकर के और मेरठ तक, जिसमें हमारा पार्ट चाहे गाजीपुर तक का ही है, लेकिन वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने ही उसका शिलान्यास किया, उस समय महेश गिरी जी सांसद थे, और बाद में आदरणीय मोदी जी ने ही उसका उद्घाटन किया। पॉल्यूशन ख़त्म होता है उससे, ट्रैफिक जाम ख़त्म हुआ, 30-35 मिनट लगा करते थे, आज 7 मिनट में हम सराय काले खां से गाजीपुर तक पहुंचते हैं। तो अब अक्षरधाम से सहारनपुर तक का एलिवेटेड एक्सप्रेसवे बन रहा है, ये जिसको यमुना पार कहा जाता है, अब तो ये यमुना पार भी नहीं कहलाता है, अब तो उधर के लोग यमुना पार कहलाते हैं कई बार। और दिल्ली मेरठ रैपिड मेट्रो ये भी यहीं से ही चल रही है। ये मैंने मोटे मोटे बड़े काम आपको गिनाए हैं। अगर मैं दिल्ली की भी बात करूं तो सिर्फ एक ही काम और गिनाता हूं। केजरीवाल ने 1,000 करोड़ रुपए पॉल्यूशन सेस पर इकट्ठा किया जनता के टैक्स के पैसे से, उसको खर्च केवल अपनी फोटो की, प्रदूषण हटाओ, कौन हटाएगा भाई, केजरीवाल जी हटाओ इसको, हम भी कह रहे हैं हटाओ, तो केजरीवाल जी लिख देते थे नमस्ते दिल्ली, धन्यवाद दिल्ली, बस यही किया उन्होंने। वो 1,000 करोड़ रुपए अगर पॉल्यूशन की लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म मैनेजमेंट पे खर्च होते तो दिल्ली के पॉल्यूशन के स्तर में डाउन आता। पर ऑन द अदर हैंड, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने दिल्ली के पॉल्यूशन में भी अपना एक अच्छा प्रयास किया। लगभग 1,000 इलेक्ट्रिक बसेस, पॉल्यूशन रहित ग्रीन बसेस, दोनों फायदे, एक सार्वजनिक परिवहन व्यवस्था में बढ़ाया, जो कि केजरीवाल साहब ने 10,000 DTC की बसें ऐड करने की बात की थी
2015 में 10 बसें भी ऐड कर पाए डीटीसी की। प्राइवेट प्लेयर्स को, वो तो उनका भ्रष्टाचार का मॉडल है एक्चुअली, प्राइवेट प्लेयर्स को लाना, उनके साथ अपना पैसे की सेटिंग करना और जनता के लिए धकेल देना, जनता को फायदा हो ना हो अपना फायदा पहले ले लेना। प्रधानमंत्री जी ने जो लगभग 1000 बसेस इलेक्ट्रिक बसेस दी है, वो प्रधानमंत्री जी का पॉल्यूशन को ठीक करने का मॉडल है। विपक्ष का लगातार आरोप है कि आप उनको प्रचार नहीं करने दे रहे हैं, कांग्रेस के अकाउंट फ्रीज कर दिए, केजरीवाल को जेल भेज दिया, तो ऐसी स्थिति में क्या मतलब एक तरफा जीत की तरफ चल रहे हैं क्या? अभी थोड़े दिनों में 4 जून को आप सुनेंगे कि सारी ईवीएम मशीन बीजेपी ने हैक कर ली, देश में कोई कानून व्यवस्था नहीं होगी उनके हिसाब से, तो ये तो बोलेंगे ही, इनको कभी भी काम करना नहीं आता। हाँ, ये बातों में झूठे वायदे करने में देश के सबसे बड़ी पार्टी वाले लोग हैं। सर, आज आम आदमी पार्टी कर करना चाहिए, उनका सबसे बड़ा नेता बहुत बड़े भ्रष्टाचार के आरोप में अंदर है, उनका डिप्टी सीएम 1.25 साल से अंदर है, सत्येंद्र जैन जी अंदर है, अभी पता नहीं और कौन कौन जाएगा, क्योंकि अब केजरीवाल जी ने वहाँ जाकर के थोड़ा सच बोलना शुरू किया है, उसमें वो आतिशी जी का नाम भी ले रहे हैं, पता नहीं वो भी झूठ ना हो कभी इस चक्कर में ले दिया हो कि सुनीता केजरीवाल को मुख्यमंत्री बनाना है, आतिशी को टिंटिट कर दो, इनका कोई भरोसा नहीं है। तो आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता अगर